अब हम ड्रॉ कर लेते हैं सल्फर का। तो जो सल्फर होता है ये S8 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब सल्फर के 8 मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होते हैं जरा समझिए। अगर मैं एक सिंपल एक सल्फर का बात करूं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, और 16 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 2 8 6, मतलब आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंबाइन होंगे जरा समझिए। फर्स्ट सल्फर, सेकंड सल्फर, थर्ड सल्फर, फोर्थ सल्फर, फिफ्थ सल्फर, सिक्स नंबर का सल्फर, सेवेंथ नंबर का, और ये 8 नंबर का। 8 सल्फर इस तरह से एक फॉर्म में कंबाइन होते हैं। सल्फर सल्फर, सभी सल्फर को मैं लिख देता हूं, ठीक है। सभी सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो 8 बनना चाहता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा। तो हर सल्फर 2 सल्फर के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और आपस में ये कंप्लीट हो जाएंगे। जरा देखिए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, ये सभी जगह 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। क्लियर है। अब सल्फर के पास बचा कितना, 1 2 3 4, सभी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक और सल्फर 1 2 3 4। तो ये 8 सल्फर, हर एक सल्फर दो दो सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, और इस तरह से क्या बना लिया, S8 मॉलिक्यूल। अगर हम इसको बॉन्ड के फॉर्म में देखें तो वो हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बॉन्ड के फॉर्म में अगर देखें तो ये क्राउन शेप में होता है। कैसे जरा समझिए। ये फर्स्ट सल्फर सेकंड सल्फर से इस तरह से कंबाइन होगा, फिर ये इस तरह से कंबाइन होगा, अगला सल्फर और ये अगला सल्फर। 5 सल्फर एक दूसरे से पहले इस तरह से कंबाइन हुए। अब ये सल्फर एक बॉन्ड बनाया है, एक और सिंगल बॉन्ड बनाएगा एक और सल्फर के साथ में। ये भी जो सल्फर है ये भी बनाएगा एक और बॉन्ड। अब ये दोनों सल्फर का एक यहां पर जो सल्फर है उससे बनेगा बॉन्ड। क्लियर है। देखिए टोटल 8 सल्फर हो गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्राउन शेप में बन रहा है, सल्फर का जो स्ट्रक्चर है 8 सल्फर इस तरह से क्राउन शेप में कंबाइन होते हैं, और बाकी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी के पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4। क्लियर है। तो हर सल्फर दो दो सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से कंबाइन होता है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखिएगा ये क्राउन शेप का एक स्ट्रक्चर है। पहला आप इसको नोट कर लीजिए।